नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। जेपी पावर में आज भी लगभग मान के चलिए कि 2% की तेज़ी देखने के लिए मिली है। 36 पैसे की इसमें आज तेज़ी देखने के लिए मिली है और कैंडल जो बना है बिल्कुल जो है डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है। ऊपर से भी रिजेक्शन है और नीचे से भी अच्छा सा रिजेक्शन देखने के लिए हम लोगों को मिला है। चार्ट पे 5 मिनट के जाके हम लोग आराम से अभी थोड़ा सा एनालिसिस अच्छे से करने वाले हैं। आज का इसका ट्रेड इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखेंगे तो आज इसमें लगभग 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। 5.1 CR जो है इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड हुआ है, जिनकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू लगभग 101 करोड़ रुपये आ रही है। आज अगर इसमें एक चीज़ आप लोग मिस कर रहे हो, डिलीवरी परसेंटेज, आज भी इसका डिलीवरी परसेंटेज 59.5% के आसपास का देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर पिछले 4-5 दिन से आप लोग इसको नोटिस कर रहे हो, जब से इसमें इंटर ट्रेडिंग सीधा सीधा कहने की शुरू हुई है, तब से इसमें देखिए, क्योंकि ये एसएम के 4 में था ना, तो धीरे धीरे 3 में आया, तब इससे इसमें इंटर ट्रेडिंग शुरू हुआ और अभी 2 में आया है, अभी 1 में भी आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखिए, 1 महीने का इसका एवरेज वॉल्यूम 5 करोड़ है। मतलब 1 महीने का जो टोटल वॉल्यूम एनएससी प्लस बीएससी का टोटल हम लोग काउंट करें और उसको फिर 30 से डिवाइड कर दें, मतलब 1 महीने से, तो 5 करोड़ के आसपास आएगा। मतलब हर दिन 5 करोड़ इसमें इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, जिसमें से यहाँ पे 30 मिलियन या फिर कह लें 3 करोड़ इक्विटी शेयर डिलीवरी में उठा गया है महीने बेसिस पे। मतलब हर दिन 3 करोड़ इक्विटी शेयर डिलीवरी में उठा गया। परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो 59% का डिलीवरी परसेंटेज पूरे महीने का आ रहा है, याद रखिएगा। अगर पिछले वीक का भी अगर हम लोग देखेंगे तो भी 7 करोड़ के आसपास जो है इसमें एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 1 वीक का, ठीक है ना। और इसमें जो डिलीवरी परसेंटेज है वो लगभग 54-55% के आसपास का निकल के सामने आ रहा है। पिछले दिन का भी अगर हम लोग देखेंगे तो 5 करोड़, 5.25 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ था, लगभग थोड़ा कम था। और इसमें भी डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 63% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज आया था। वहीं पे आज का भी बात करेंगे तो आज भी लगभग इसमें 1.25 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है, दोनों का मिला के। मतलब 1.25 करोड़ एनएससी पे है और 1 करोड़ के आसपास बीएससी पे है। और आज भी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे 59% तो इधर है, उधर भी जो होगा उसका एवरेज मिलाएंगे तो लगभग 59-60% आज भी डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आएगा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा है। नॉर्मल जो पढ़ाई हम लोग करते हैं, जो पढ़ते हैं डिलीवरी परसेंटेज को, तो इसमें तो सीधा सीधा यही लिखा रहता है कि अगर किसी भी शेयर में 50% या उससे 50% 60% या उससे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज है तो उसको अच्छा माना जाता है। 50% से भी ऊपर होता है तो भी उसको ठीक ठाक हम लोग कह लेते हैं, अगर ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है तो, ठीक है ना। तो बढ़िया कंडीशन बनी हुई है। इस एक चीज़ के भरोसे पे भी बहुत सारे लोग खरीदारी करते हैं डिलीवरी परसेंटेज को भी देख के, लेकिन एक दिन का देख के नहीं, ठीक है ना। अब देखिए शॉर्ट टर्म के, ये लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 2 में अभी भी है। सर्किट लिमिट अभी भी इसका नहीं बदला है। मैं अभी देख रहा था सर्किट लिमिट को, अभी तक तो अपडेट ही नहीं आया है सर्किट लिमिट का, क्योंकि भरोसा तो मुझे आज का नहीं है, कल का ही है। अगर आ जाता है तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन व्यू है कि 14 तारीख को ही एसएम के स्टेज 1 में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, जो कि एक्टिव होगा 17 17, तो चलिए छुट्टी हो जाएगा, 18 जून 2024 से, ठीक है ना। 14 को निकलेगा तो 18 तारीख से ही निकलेगा, क्योंकि 3 दिन बीच में हम लोगों को यहाँ पे छुट्टी मिलने वाली है, ठीक है ना, अगले वीकेंड में, तो देख लीजिएगा। और अगर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो हाल फिलहाल में इसमें कोई अपडेट नहीं है कंपनी की तरफ से। न्यूज गूगल पे भी अगर सर्च करोगे आप लोग तो कोई भी आप फिल्टर लगा के देख लीजिए, कुछ भी यहाँ पे न्यूज अभी निकल के सामने नहीं आ रही है। छोटी मोटी आ भी रही है 2-3 दिन की, तो ये फालतू फालतू वेबसाइट जो हम जैसे यूट्यूबर ही चालू किए हैं उन्हीं का निकल के सामने आ रहा है, कोई विश्वासी वेबसाइट पे नहीं अपडेट आया है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। आप देखिए 5 मिनट पे क्या करेंगे, 5 मिनट पे देखिए, जब भी कैंडल को आप लोग देखते हो ना तो कैंडल इसकी इस तरह से बनी हुई है आज वाली, लेकिन इस कैंडल को एक देख के आप कुछ नहीं समझ सकते हो। इसके अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि कैंडल के अंदर हुआ क्या है। तो प्राइस ओपन हुआ, एक बाइंग के साइड में इंटरेस्ट बायर का दिखा, सेलर ने सेल किया और प्राइस को पूरा जो है लो के भी नीचे लेके आए 19 रुपये तक। फिर से कह लें कि चाहे सेलर चाहे कुछ भी, सेलर अपना प्रॉफिट बुक किए, थोड़ी सी रिकवरी आई,
उसके बाद बाहर थोड़े से बाहर किए और प्राइस जो है जाके एकदम जो है 1.5% की तेजी के साथ क्लोज किए, तो ये संकेत होता है तेजी का, क्योंकि नीचे की साइड से अच्छी सी रिकवरी हम लोगों को देखने के लिए मिली है। तो कैंडल, अगर ये वाली कैंडल को देखेंगे, अगर पूरी की पूरी कैंडल को देखेंगे हम लोग, तो इसमें दिख रहा है कि बायर और सेलर का टसल देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, देखिए। लेकिन अंदर घुस के देखेंगे तो सेलर मजबूत तो था, लेकिन उसने अपना प्रॉफिट बुक किया और वो एग्जिट कर गया, और फिर से बायर जो है ये अपने कब्जे में इसको ले चुके हैं स्टॉक को, ठीक है ना। अब बड़ी तेजी की संभावना बन रही है, बस वहीं ब्रेकआउट चाहिए हम लोगों को 20 रुपये 50 पैसे का, जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से बता रखा हूँ। यही 20 रुपये 50 पैसे वाला ये जो रेंज है आप लोगों को दिख रहा है बना है, इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, या सीधा सीधा कहिए ना कि ये वाला जो ये वाला हाई बना था, एक कंटिन्यू अपर सर्किट में जा रहा था, हाई बना के आया, फिर उसको ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ये ब्रेकआउट पे बहुत सारे लोग खरीदे होंगे, उनको यहाँ पे फंसाने के लिए नीचे आया और फिर से अब ऊपर जाएगा। अब इसके ऊपर का ब्रेकआउट सभी लोग इंतजार करेंगे, और तब तक तो इसमें जो है 22 रुपये का रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर से ब्रेकआउट पे खरीदेंगे और फिर से वो लोग फंस जाएंगे, फिर यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत सस्टेन करके फिर से ब्रेकआउट एक अच्छा सा ऊपर की साइड में हम लोगों को दे सकता है, ऐसी संभावना है। देखते हैं, हाँ यहाँ से गिरावट की भी संभावना, ऐसा नहीं कि केवल तेजी की संभावना है, यहाँ से इस तरह से भी एक पैटर्न बन रहा है जो हम लोग का सपोर्ट है मेन 16 रुपये 60 पैसे का, तो उस वाले लेवल तक जाने की इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। तो जब भी स्टॉप लॉस आप लोग फॉलो करो बड़े टाइम फ्रेम के लिए, 16 रुपये के अभी भी नीचे का ही स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन चार्ट बन रहा है इसमें इस तरह से एक पैटर्न बनने की संभावना दिख रही है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा उतावला होकर खरीदारी नहीं करना, खरीदारी करना था तो 17-18 रुपये के आसपास ही खरीदारी करना था, जो कि रिस्क टू और रेशियो के हिसाब से बढ़िया बैठता। अब खरीदारी करेंगे आप लोग तो 20 पे खरीदारी करेंगे तो 16-18 तो मतलब 4 रुपये 3.5 रुपये के आसपास का आप लोगों का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, देख लीजिएगा। हालांकि नीचे 15.5 रुपये का भी इसका सपोर्ट बन जाएगा, अगर 16 के आसपास जाता है तो देख लीजिएगा। 22 का लेवल है, 20.5 का लेवल है, ये रेंज का ब्रेकआउट अगर ये ऊपर की साइड में देता है तो फिर इसमें 27 रुपये और उसके ऊपर 34 रुपये तक का टारगेट ये आने वाले समय में हम लोगों को दे सकता है। मेरा भी पॉजिटिव है, खरीदारी करने का है और होल्ड करने का। प्रॉफिट तो चलिए, प्रॉफिट बुक करने का भी तो यहीं पे था, नहीं बुक किए हो, अब दो गिरावट झेल चुके हो तो झेलिए, ठीक है ना। अब जब मतलब कहने का, यहाँ पे मैं खरीदारी करने के लिए बोला था, यहाँ पे खरीदारी ये टारगेट बताया था, तो ये पहली बार गया तो बुक करना चाहिए था, नहीं किए, फिर यहाँ पे दूसरी बार फिर मौका दिया, नहीं बुक किए, तो अब क्या बुक करोगे, अब बर्दाश्त करिए जब इतना मतलब गिरावट सही रहे हो तो, ठीक है ना। जब मतलब इतना गिरावट के बाद भी वही टारगेट लोगे तो फिर रही क्या जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ गया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल ये एसएम क्लियर से 100% बाहर आ रहा है, और एक भाई भी कह रहा है कि ऐसे कर दूंगा, ग्रीन पर्दा हटवा दूंगा, वैसे धन्यवाद आपका। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मुझे अमीर बना के चले जा चुके हैं, 1-1 करोड़ रुपए लगाए हैं, और 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया उनका मैं लगवाया हूँ, सुजलोन में भी कई सारे लोगों का लगवाया हूँ, जेपी पावर में भी कई सारे लोगों को लगवाया हूँ, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन वो सब सारी बातें होती हैं पहले की बात कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।